चलो आज रो पिरो के पास जाता हूँ। काफी टाइम से मैं सुपर हीरो के घर पर रह रहा था, आज रो पिरो के घर पर रहूंगा और उसी के पास खाऊंगा पीऊंगा, मस्त मजे करूंगा। चलो जल्दी से चलता हूँ रो पिरो के पास। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी से निकलता हूँ, लगता है कोई भूत वगैरह आ गया है। आलतू चल आलतू, आई बड़ा को ताल दू। अरे कौन हो तुम? तुमने मेरे को क्यों मारा? अरे मेरे को क्यों मार रहे? छोड़ दे मेरे को। अरे रो पिरो बचाओ मेरे को, रो पिरो बचाओ। अरे कौन हो तुम? मेरे को क्यों मार? वो भी पता चल जाएगा टिप्सन, पहले तुझे मैं यहाँ से उठाकर अपने अड्डे पर लेकर जाता हूँ और तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर तुझे किडनैप किसने किया है। अरे ऐसा क्यों लगा मेरे को कि बाहर किसी ने मेरे को आवाज दी है और वो आवाज मेरे को टिप्सन की लग रही थी? चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से जाकर देखता हूँ आखिर किसी ने मेरे को बाहर से आवाज तो दी है, पर दी किसने? मैं फटाफट से ऊपर चलता हूँ और जाकर देखता हूँ कि ऊपर से किसी ने मेरे को आवाज दी थी, किसने दी थी, कौन है यहाँ पर, किसने बुलाया मेरे को? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक सेकंड, देखो यहाँ पर कितना सारा ब्लड पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर किडनैप हुआ है और कोई किडनैप करके ले गया है टिप्सन को या किसी और को। पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टिप्सन किडनैप हुआ है या फिर कोई और? एक काम करता हूँ, मैं सुपर हीरो के घर पर जाता हूँ और वहाँ पर जाकर देखता हूँ, क्योंकि सुपर हीरो के घर पर ही काफी टाइम से टिप्सन रह रहा था। तो चलो मैं फटाफट से अपनी गाड़ी उठा लेता हूँ और चलता हूँ सुपर हीरो के घर पर, और सुपर हीरो ही बता सकता है मेरे को कि आखिर टिप्सन कहाँ गया होगा, क्योंकि सुपर हीरो के पास ही वो रह रहा था और मेरे को आवाज तो पूरी पूरी टिप्सन की लगी थी। वो अभी कंफर्म नहीं है कि टिप्सन कितने बोआ यहाँ पर या कोई और। तो चलो मैं फटाफट से जा रहा हूँ सुपर हीरो के घर पर और तुम देख ही सकते हो मैं सुपर हीरो के घर पर आ चुका हूँ। मैं फटाफट से गाड़ी लेता हूँ सुपर हीरो के घर के अंदर। चलो गाइस देखो, मैं सुपर हीरो के घर के अंदर तो आ चुका, मैं फटाफट से यहाँ पर गाड़ी को पार्क करके सुपर हीरो को देखता हूँ। तो सुपर हीरो कहाँ पर है भाई? तू जल्दी से आ जा, क्योंकि मेरे को टिप्सन को ढूंढना है। आखिर ये सुपर हीरो कहाँ चला गया? सुपर हीरो, अरे ये आ रहा सामने से। अरे सुपर हीरो, तुम्हारे पास टिप्सन है क्या? क्योंकि टिप्सन तो काफी टाइम से यहीं रुका हुआ था और मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आज मेरे घर के बाहर से कोई किसी को किडनैप करके ले गया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो टिप्सन था, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम आवाज दी तो उसकी आवाज मेरे को पूरी पूरी टिप्सन की तरह लगी थी। अरे रो हीरो, मेरे को नहीं पता टिप्सन कहाँ गया, क्योंकि टिप्सन तो यहाँ से सुबह ही चला गया था और बोल रहा था कि मैं म्यूटेंट के घर पे जाकर रहूंगा या रो हीरो के घर पर रहूंगा, पर मेरे घर पर नहीं रहेगा क्योंकि उसका मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो इसलिए वो मेरे से नाराज होकर यहाँ से चला गया। अच्छा ऐसा है, तो पहले हमें म्यूटेंट के घर पर जाकर देखना होगा, क्या पता टिप्सन वहीं पर रुक गया हो, मेरे घर तक वो आया ही ना हो। हाँ हाँ सही कहा रो पिरो, तुमने एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम दोनों मिलकर टिप्सन को बचा लेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा सुपर हीरो, तुम फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो और हम चलकर टिप्सन को ढूंढते हैं। अगर टिप्सन को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी टिप्सन को किडनैप किया होगा। चलो जल्दी से चलते हैं म्यूटेंट के घर पर। सही कहा रो पिरो, हम दोनों मिलकर ना उसकी बैंड बजा देंगे जिसने भी टिप्सन को किडनैप किया होगा। टिप्सन से तो मेरी लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि टिप्सन को कोई भी किडनैप करके ले जाए और उसकी बैंड बजा दे बढ़िया करके। एक काम करो, तुम जाओ म्यूटेंट के पास, मैं यहाँ पर गाड़ी के पास रुकता हूँ, क्या पता यहाँ से कोई हमारी गाड़ी भी चुरा कर ले जाए। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा सुपर हीरो, तुम यहीं पर रुको गाड़ी के पास, मैं फटाफट से म्यूटेंट के पास जाता हूँ। तो कहाँ पर होगा म्यूटेंट? अरे ये रहा देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है और पुशअप लगा रहा है। अरे म्यूटेंट, तेरे को पता है कि टिप्सन कहाँ पर है? क्योंकि टिप्सन तो तेरे पास आया था बोलकर। अरे हाँ टिप्सन तो आया था मेरे पास, पर मैंने उसको यहाँ से भगा दिया था। वो हमेशा सबके साथ लड़ाई करता रहता है और जिस भी घर में जाता है पूरी तोड़ फोड़ मचा देता है और घर को पूरी तरीके से खराब कर देता है, तो इसलिए मैंने तो उसको भगा दिया था, बोल दिया था रोपी रो के साथ ही जाकर रहना, वो तो तुम्हारे पास गया था ना। म्यूटेंट टिप्सन मेरे पास ही तो नहीं आया, इसी वजह से तो मैं उसको ढूंढता फिर रहा हूँ, मेरे को लगा कि तुमने उसको अपने घर पर रुका लिया होगा। चलो कोई नहीं, मेरे घर के पास एक किडनैपिंग हुई है और मेरे को लग रहा है कि किसी ने टिप्सन को किडनैप कर लिया। चलो तुम अपनी एक्सरसाइज करो सुपर हीरो और मैं जाकर बचा लेंगे टिप्सन को। सुपर हीरो अब तो मेरे को बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि टिप्सन को किसी ने किडनैप कर लिया, तो तू जल्दी से चलते हैं हम विलन के अड्डे पर और वहाँ जाकर देखेंगे कि वहाँ पर टिप्सन है या फिर नहीं, क्योंकि हमेशा से विलन ही किडनैप करता रहता है टिप्सन को और सभी को भी, जिसको भी किडनैप करता है वो शहर में ज्यादातर विलन ही करता है। तो हम फटाफट से विलन के अड्डे पर चलते हैं। सही कह रहे हो पिरो, ये विलन तो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, आज उसने अगर टिप्सन को किडनैप किया होगा तो आज हम उसकी बढ़िया करके बैंड बजा देंगे। रो पिरो छोड़ना मत विलन को, विलन की तो आज हम बढ़िया करके बैंड बजाएंगे। चलो चलते हैं और जाकर विलन की बैंड बजाते हैं। सही कहा सुपर हीरो, पर तुम कुछ भी मत करना, जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, अगर उसकी बैंड भी बजानी होगी तो मैं खुद ही बजाऊंगा। अरे विलन कहाँ पर है? सामने आ। अरे ये तो सामने ही खड़ा है। अरे विलन तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे दोस्त टिप्सन को किडनैप कर लिया है, अगर तुमने टिप्सन को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा बढ़िया करके। अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं टिप्सन को ही किडनैप थोड़ा ना करूंगा, मेरे को नहीं पता टिप्सन कहाँ है। चलो निकलो यहाँ से, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, अपना काम करो, चलो निकलो यहाँ से, पॉकेट में आ जाते हो या
यहाँ पर बार बार टाइम खराब करने के लिए। अच्छा तो विलन तू ऐसे नहीं बताएगा कि टिप्सन कहाँ पर है, अभी रुक तेरी बैंड बजाता हूँ बढ़िया करके, फिर तो तू खुद ही बताएगा कि टिप्सन कहाँ पर है। चल जल्दी से बता वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। अरे तू कुछ भी कर ले रो फिर, मेरे को नहीं पता टिप्सन कहाँ पर है। अरे छोड़ मेरे को, मेरा गला पकड़ कर कहाँ लेकर जा रहा है मेरे को, मैंने बताया तो है कि टिप्सन का मेरे को नहीं पता। अच्छा तो रो फिर, तेरे को लगता है कि मैं तेरे से डर जाऊंगा ऐसे? अभी रुक तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ आकर के, मैं किसी से नहीं डरता, मैं हूँ इस दुनिया का सबसे पावरफुल विलन, और तेरी कैसे बैंड बजाऊंगा तू देखना बढ़िया करके। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे से डर जाऊंगा? विलन तू डरेगा तो नहीं, पर मैं तेरी बैंड बढ़िया करके जरूर बजा सकता हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बढ़िया करके बैंड ना बजाऊं तो तू जल्दी से बता दे मेरे को कि टिप्सन कहाँ पर है, क्योंकि शहर में कुछ भी होता है तेरे तक तो बात पहुंच ही जाती है और तेरे को पता होता है कि किसने क्या किया है। तो तू जल्दी से बता वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा बढ़िया करके। अगर तूने किडनैप नहीं किया तो आखिर टिप्सन को किडनैप किसने किया है? अरे मेरे को क्या पता किसने किसको किडनैप किया है, मैंने क्या पूरे शहर का टेका ले रखा है? तूने तो नाक में दमी कर दे, टिप्सन कहाँ है, टिप्सन कहाँ है, अभी रुक तेरी बैंड बजाता हूँ। अच्छा तो विलन तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी रुक तेरी बढ़िया करके बैंड बजा देता हूँ। अब तो तू बता कर ही रहेगा कि आखिर टिप्सन कहाँ है, क्योंकि तेरे को सब पता होता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। तो तू जल्दी जल्दी से बता टिप्सन कहाँ है वरना तो मैं आज तेरी बैंड बजा दूंगा बढ़िया करके। कहाँ भाग रहा है विलन, सामने आ जल्दी से। अरे कहाँ भाग गया ये, अभी रुको इसको हवा में पकड़ता हूँ और इसके हवा में ही बैंड बजाऊंगा बढ़िया करके। तो अब जल्दी से बता कहाँ पर है टिप्सन वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा बढ़िया करके। अरे बताता हूँ, पहले मारना तो कम करो मेरे को। तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल सकता है शहर के बाहर पुराने एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन आया है और वो सभी को किडनैप कर रहा है। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर छुपकर बैठा हूँ, क्योंकि वो तो मेरी भी बैंड बजा सकता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है। तो तुम रो फिर खुद ही जाओ वहाँ पर, खुद ही जाकर देख लो। ठीक है विलन, अगर तुमने ये बात मेरे को पहले बता दी होती तो मैं तुम्हारी इतनी बैंड नहीं बजाता। चल ठीक है, अब मैं तेरे को जाने देता हूँ यहाँ से, और ध्यान रखना तू यहाँ पर किसी की भी बैंड नहीं बजाएगा, मतलब किसी को भी परेशान नहीं करेगा शहर के अंदर। और ये जो कोई भी नया विलन आया आज तो मैं उसकी भी बैंड बजाकर रहूंगा। चल सुपर हीरो, पता चल गया है कि टिप्सन हमें कहाँ मिल सकता है, तो हम फटाफट से वहीं पर चलते हैं और जाकर उन सबकी बैंड बजाएंगे जिसने भी टिप्सन को किडनैप किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि मैं टिप्सन को किसी भी तरह बचा कर ले आऊं तो तुम्हें भी जल्दी से एक काम करना होगा, तुम सबको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो क्या कर रहे हो, टिप्सन के खातिर जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाए और मैं जाकर उस विलन की बैंड बजा सकूं जिसने भी टिप्सन को किडनैप किया था। चलो गाइस अब हम फटाफट से चलते हैं पुराने एयरपोर्ट पर, और पुराने एयरपोर्ट पर जाकर देखते हैं कि कौन है यहाँ पर विलन जिसने टिप्सन को किडनैप किया है। तो मैं गाड़ी को थोड़ा आराम से लेकर जाता हूँ और एक साइड में पार्क कर देता हूँ, जिससे कि हमारी गाड़ी भी बिल्कुल सेफ खड़ी रहे। तो मैं फटाफट से यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और अब मैं फटाफट से जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर विलन है कौन। टिप्सन तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा हमारे हाथों से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज हम इस टिप्सन को मार डालेंगे, आज ये टिप्सन हमारे हाथों से नहीं बचेगा। चल सुपर हीरो, सभी जगह को अच्छे से देखते हैं और देखते हैं कि टिप्सन को कहाँ पर कैद करके रख रखा है उस विलन ने। तो चलो जल्दी से चलकर ढूंढते हैं सभी जगह को अच्छे से। तो मैं फटाफट से जाकर देखता हूँ यार पुराने एयरपोर्ट के जहाँ पर हवाई जहाज खड़े होते थे, तो यहाँ पर देखता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ओ गाइस देखो, मेरे को टिप्सन फाइनली मिल चुका है और उसके साथ में दो विलन है। ओ गाइस, मिस्टर मीट है यहाँ पर और एविलन है, ये तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सुपर हीरो हमें दोनों को मिलकर इनसे लड़ना होगा, अकेला तो मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा इनसे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर पहले टिप्सन के पास से इन दोनों को हटाना होगा मेरे को। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मिस्टर मीट को उठा के यहाँ से दूर फेंक देता हूँ, क्योंकि गाइस अभी इनकी पावर बंद है तो मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अगर इन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया ना, फिर तो ये मेरी बैंड बजा देंगे बढ़िया करके। ओ भाई, इन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और गायब होकर मेरे पीछे आ गए, और मेरे पीछे आते ही इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अरे सुपर हीरो कहाँ रह गए, जल्दी से हम दोनों मिलकर इनसे लड़ पाएंगे, वरना तो ये अकेले की मेरी बैंड बजा देंगे बढ़िया करके। अरे गाइस तुम देख सकते हो ये एविलन मेरी कैसे बैंड बजा रही है, अभी रुको इसकी एविलन की बैंड बजाता हूँ बढ़िया करके। रो बिरो, आखिरकार तुम हमारे जाल में फंसी गए, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए ही टिप्सन को किडनैप किया था, अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे सुपर हीरो हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं, मैं कह रहा तो इसको नहीं हरा पाऊंगा, चल हम दोनों मिलकर इसको मारते हैं और उसकी बैंड बजाते हैं बढ़िया करके। एक ना मिस्टर मीट, मैं तेरी बढ़िया करके बैंड बजा दूंगा और तू अपने प्लान में खुद ही फंस जाएगा, आज तो तू बचेगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ में सुपर हीरो भी है और मैं भी हूँ, हम दोनों मिलकर तेरी बढ़िया करके बैंड बजा देंगे। और तेरी एविलन की तो हमने बढ़िया करके बैंड बजा दी, वो तो यहाँ से डर कर भाग चुकी है। हाँ रो फिर हम इसे छोड़ेंगे नहीं, अभी रुको देखो मैं इसकी कैसे बैंड बजाता हूँ। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया, चलो तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा मिस्टर मीट की, इसको छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों मिलकर इसको हरा पाएंगे, तो हम पे ये भारी पड़ रहा है। सही कहा सुपर हीरो, अब देख हम दोनों कैसे मिलकर इसकी बैंड बजाते हैं।
चल भाई मिस्टर मीट, अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा, आज तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा बढ़िया करके। चल भाई सुपर हीरो साथ में मिलकर इसको मारेंगे और इसकी बढ़िया करके बैंड बजा देंगे। देखो वहाँ पर सुपर हीरो इसको अकेले ही मार रहा है। अरे कहाँ चले गए ये? अरे भाई देखो सुपर हीरो ने कैसे इसको उठा उठाकर पटक रखा है, अब मैं भी इसको उठा उठाकर पटकता हूँ। चलो गाइस अच्छी बात है कि हम दोनों ने मिलकर इसको हरा दिया। अरे छोड़ मेरे को गाइस, इसने इतनी पावरफुल शक्ति से अटैक किया था ना मेरे ऊपर, मेरी तो बैंड ही बज गई। और देखो यहाँ पर इसने कितना बड़ा धमाका कर दिया मिस्टर मीट ने। भाई मिस्टर मीट वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर कोई नहीं हम इसको हरा ही देंगे किसी न किसी तरीके से। अभी रुको मैं इसकी बैंड बजाता हूँ बढ़िया करके। चलो गाइस देखो मैंने इसकी काफी हद तक तो बैंड बजा दी है, अब मेरे को नहीं लगता कि ये सही से खड़ा हो पाएगा क्योंकि मैंने अपनी फुल पावर के साथ इसकी बैंड बजाना स्टार्ट की और सुपर हीरो ने भी इसकी फुल पावर के साथ ही बैंड बजाई है। हम दोनों मिलकर ही इसको हरा पा रहे हैं, वरना तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। चलो गाइस देखो हमने यार इसकी बढ़िया करके यहाँ पर बैंड बजा दी है। कहा है मिस्टर मीट? गाइस देखो मिस्टर मीट यहाँ पर बेहोश हो गया, अब इसको उठाकर यहाँ से दूर फेंक देते हैं जिससे कि इस शहर में कभी वापस ही ना पाए। अब चलो हम चलकर टिप्सन को भी बचा लेते हैं, पता नहीं वो टिप्सन पिंजरे के अंदर कब से कैद होगा क्योंकि भाई हम सुबह से ढूंढ रहे थे टिप्सन को और सुबह से शाम हो चुकी है ढूंढते ढूंढते। अब चलो चलकर टिप्सन को यहाँ से बचाते हैं और फाइनली घर जाकर आराम करेंगे क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं टिप्सन को ढूंढते ढूंढते। अरे फाइनली टिप्सन तू हमको मिल चुका है, चल जल्दी से बाहर आ जा, तेरे को ढूंढते ढूंढते हम थक गए, काफी मुश्किलों में जाकर तू हमको यहाँ पर मिला है। अरे रो फिर, मेरे को पूरा यकीन था कि तू तो मेरे को बचाने जरूर आएगा, पर ये सुपर हीरो भी आएगा इसका यकीन नहीं था। चल शुक्रिया मेरे भाई, तू मेरे को बचाने आया, लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है, चल अच्छा हुआ तूने आकर मेरे को बचा लिया। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ यहाँ पर खड़े खड़े। सही कहा टिप्सन, थक तो हम भी बहुत ज्यादा गए यहाँ पर तेरे को ढूंढते ढूंढते, चल जल्दी से आ जाओ और हम फटाफट से यहाँ से घर चलते हैं और जाकर आराम करेंगे क्योंकि भाई मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, हम सुबह से ढूंढ रहे थे, पूरी रात ही होने वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो चल जल्दी से आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। पर गाड़ी के अंदर तो एक ही सीट है। चलो कोई नहीं, सुपर हीरो के पास जादुई मतलब जूते हैं, वो ऊपर गाड़ी के खड़ा भी हो सकता है, चल भाई तू ऊपर खड़ा हो जा। सो गाइस देखो यहाँ पर सुपर हीरो खड़ा हो चुका है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगा आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।